अपने चाचा के साथ आया हूँ फर्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अब हम आए हुए हैं बनबसा। इस टाइम है मौसम काफी ठंडा हो रहा है यार यहाँ पे, और आज धूप भी नहीं निकली है। बाकी आज वेडनेसडे का दिन है हमारा, जो है वेडनेसडे को ही फ्री रहते हैं ज़्यादातर। मैं आज मतलब अपना फर्स्ट ब्लॉग मैंने अपना कैसे बनाया, कैसे मतलब स्टार्टिंग की, वही सब मैं आज बनाने वाला हूँ। यूट्यूब जर्नी तो हम काफ़ी करीब 2017 में स्टार्ट कर चुके थे। यूट्यूब पे हमारा चैनल कॉमेडी मतलब जो है MTV करके है, उस पर हमने चैनल अपना बनाया था उस समय 2017 में, जब राउंड टू वायरल ने भी अपना नया नया स्टार्ट ही किया था। और उनको मतलब देख के ही हमने भी सोचा था कुछ करने का क्रिएटिव, लेकिन उस समय में हम यार कुछ हमारा लोगों ने साथ नहीं दिया, मतलब कुछ दोस्त वगैरह भी नहीं थे इतने, और जो थे वो बनाने नहीं चाहते थे, उन्हें मतलब कॉमेडी वगैरह सब करना नहीं आती थी। तो उस समय भी हम दो ही लोग थे, जो मेरा दोस्त है दानिश जिसका नाम है, उसने और हमने दोनों ने ही शुरू से बहुत ज़्यादा मेहनत की है YouTube में कुछ करने के लिए। लेकिन यार अब दो के करने से नहीं होता ना, उसका क्या है कि वो सिर्फ फ़ोन से मतलब या कैमरे से जो भी है वो शूट करता है, बाकी उसका एडिटिंग का काम है, वो सब उसी में ही ज़्यादा मतलब उसे वो करता है। और मुझे जो है ज़्यादा मतलब एक्टिंग करने का तो बहुत शौक है शुरू से, एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर जो है व्लॉगिंग, अब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो उसी का ही वो बताऊँगा मैं, मतलब एक्टिंग से कैसे व्लॉगिंग में आ गया। हमने चैनल जो बनाया था उस पर हमारे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते थे शुरू में, 2017 में जब हमने बनाया था आते थे हमारे करीब 1000, 1200, 400, 500 ऐसे करके व्यूज़ आते थे। फिर मतलब तीन चार वीडियो डालने के बाद हमारा मतलब हमारा क्या काम था कि हमें यार सबकी ज़्यादा मतलब हर किसी से रिक्वेस्ट करनी भी पड़ती थी, भाई हमारे साथ बना दे यार, भाई हमारे साथ बना ले। सभी ने मतलब किसी ने ज़्यादातर हमारा साथ नहीं दिया, हमने काफ़ी लोगों से मतलब कहा, और जो मैंने मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने मेरे साथ जो शुरू में बनाई भी थी वीडियो, तो मतलब फिर बाद में बोले यार तुम्हारा कुछ होता तो है नहीं और बाकी खाली मेहनत कर रहे हैं, कोई फ़ायदा है नहीं यार बनाने से, खाली पागलों की तरह तुम्हारे साथ वीडियो बनाओ। फिर उसके बाद यार मैं भी परेशान हो गया, मैंने कहा यार खाली अकेले के करने से थोड़ी होता है। फिर एक डेढ़ साल के बाद मेरे दिल में यार ख्याल आया कि जो है यार ऐसे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर से कुछ करना चाहिए। तो फिर उसी चैनल को हमने फिर दोबारा स्टार्ट किया, तो जो हमारे दोस्त जिन्होंने हमें हौसला दिया था, मतलब दूसरी बार स्टार्ट करने में हमें किसी ने हौसला दिया था, तब हमारे अंदर हौसला जागा था कि कुछ करने का। फिर उन्होंने हौसला जगा के एक वीडियो बनवाई साथ में, एक वीडियो बनाने के बाद भाई साहब MTV कबीर सिंह आप मानना सर्च YouTube में तो फर्स्ट नंबर पे आएगी MTV कबीर सिंह के नाम से। तो उन्होंने हौसला जगा, हमने कहा यार चलो सही है यार बंदा भी बढ़िया, उन्होंने एक्टिंग भी मतलब बढ़िया करता बंदा, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद बनवाने के बाद फिर भाई साहब जब हम उनके पास गए दोबारा, वो यार मेरे पास टाइम नहीं है यार, ये है वो है, मतलब वो बंदा फिर एटीट्यूड दिखाने लगा है। और भाई जो वीडियो देखेगा ये आरिस, तो आरिस वो जिसका नाम मतलब मैं आरिस बोल रहा हूँ, मेरे भाई बुरा मत मानना, वीडियो तो देखोगे तो मुझे पता है। फिलहाल जो है फिर उसके बाद फिर हमने कहा हटाओ, कोई फ़ायदा नहीं है यार बंद करो। फिर क्या है कि कुछ टाइम बीता, एक आध साल बीती, अब जाके जो है मतलब अभी 2021 में, तो जो मेरा फ्रेंड है मतलब दानिश, उसने मतलब मुझे बोला यार ऐसा है हम कॉमेडी तो मतलब जो है हमें उसके लिए तो बंदे चाहिए होंगे और मतलब काफ़ी चीज़ें चाहिए होंगी, और ऐसा ये व्लॉगिंग जो है व्लॉगिंग तू अकेले ही कर सकता, तेरा अकेले का ही काम होगा, अकेले ही बनाएगा तू। तो मैंने कहा यार ये बात तो सही कह रहा कि जो है मतलब मुझे अब इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी अपने दम पर अकेले कर सकता हूँ, कहीं भी जाऊंगा कहीं भी कुछ भी मतलब मैं अपना बना सकता हूं अकेले, किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कहा यार चलो कुछ न मतलब कुछ करते हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। फिर मैं मतलब गया हुआ था पहाड़ इधर अपना चंपावत लोहाघाट बड़े भाई के साथ, तो फिर मैंने सोचा यार बोल तो वो सही रहा था, मैं ऐसा है बना के देखता हूँ। तो मैंने जब मतलब स्टार्ट किया था तो बैक कैमरा ही रखा था मैंने, आप मेरा फर्स्ट ब्लॉग जब देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको मेरा कहीं भी आपको मतलब वीडियो क्लिप नहीं मिलेगा, सिर्फ बैकग्राउंड में आवाज़ मेरी है सिर्फ, बाकी बैक कैमरा मैंने चालू कर दिया था। और मैं अकेले में जाके बोलता था, मतलब कोई अगर निकल के जा रहा बंदा पास से तो मैंने दूर से देख लिया कि कोई आ रहा है, तो मैं खामोशी से बस खाली इधर से उधर मोबाइल से मैंने करा है। बाकी मतलब बहुत झिझक लगती है यार, मतलब
अभी भी फिलहाल मुझे लगती है, लेकिन अब वैसा नहीं है जब स्टार्टिंग में था जो। अब तो मैं मतलब नॉर्मली बोल लेता हूँ लोगों के सामने इधर से उधर। फिर मैंने बनाया यार, मैंने कहा यार अब ये बना तो लिया, अब तरीका मुझे नहीं था कि कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। फिलहाल मैंने काफ़ी बोला कुछ उसमें, इतना कुछ नहीं बोला। उसके बाद मतलब फिर मैं जब आया हूँ घर पे, मैंने उसे दिखाया अपने दोस्त को कि यार देख ये मैं जो तू बोल रहा था व्लॉग बना, मैंने बना के लाया हूँ, देख वीडियो कैसी है। उसने देखी, देख के बोला इसे तो यार कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो तू पूरी बैक कैमरे से बना लाया, इसमें जो है तेरा तो कहीं कुछ है ही नहीं, लोग समझेंगे कि तूने वीडियो कहीं और की डाल ली, आवाज़ अपनी डाल ली। मैंने यार ये तो सही कह रहा है बिल्कुल। मैंने चलो यार कोई बात नहीं, फिलहाल गलती से गलती होती है, अब उसे अगली बार सही करेंगे। मैंने स्टार्ट करो ब्लॉग चैनल और डालो तुम ये वीडियो, देखेंगे फिर आगे जाके वो वीडियो। फिर मैंने वहाँ से अपनी वीडियो डलवाई है जो फर्स्ट, और वहीं से फिर हमने अपना उत्तराखंड के नाम से ही अपना चैनल बनाया फिर हमने क्योंकि हम दो लोग हैं, मेरा नाम सलमान है, मेरे दोस्त का नाम दानिश है, तो मतलब अपने नाम से तो मज़ा नहीं आता कि ऐसा यार चैनल दोनों का नाम एक का। इस वजह से यूके ब्लॉग्स करके रख दिया, और आगे कभी मतलब देखेंगे कुछ अगर हुआ सही उसके बाद मतलब कुछ थोड़ा चेंज करने की सोची है हमने, फिलहाल अभी नहीं चेंज करेंगे। और क्या बोलते हैं, फिर वहाँ से डलवाने के बाद फिर जब मैं दूसरी बार मतलब उसे लेके गया फिर साथ में, मैंने कहा यार तू चल साथ में, जाने के बाद फिर मतलब मैंने देखा कि हाँ कैसा सीन है क्या है। नानक मता का है शायद हमारा दूसरा व्लॉग, तो नानक मता हम गए थे, वहाँ से हमने थोड़ा बहुत बनाया। शुरू में हमने बहुत बहुत लंबे व्लॉग डाल दिए यार, 19-19, 20-20 मिनट के व्लॉग डाले हैं हमने। ऐसे ही धीरे धीरे चेंजिंग आती रहेगी, बनाते रहेंगे, और आप लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए बस, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और अब मैं यहीं अपना जो है मतलब एंड करता हूँ ब्लॉग का। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार चैनल को, क्योंकि चैनल के हमारे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं। तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।